लगातार जो है आप पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का सर्वे कर रहे हैं और उन लोगों की जो है माली मदद भी कर रहे हैं, क्या हालात आपने यहाँ पर देखे? देखो ये इसी एरिया में मैं पैदा हुआ हूँ और ये सब जो है मेरे भाई बहने हैं, हट भी जरा, ये भाई बहने हैं, इन लोगों को मैं जो आया हूँ देख के सब इतना खुश हैं, इतना खुश है उसका कोई हद नहीं है। और मैं यहाँ से करोड़ों रुपया इधर से ही, मैं जब इधर से एक टाइम का खाना मेरे को नहीं था उस वक्त में यहाँ पे हम लोग आके एक घर पे आए थे। ये स्लम में से ही हम लोग बड़े हुए हैं, केजीएफ से आने के बाद स्लम से ही बड़े हो के इधर यहाँ से ही मैं करोड़ों रुपया कमा के गया हूँ। बाद में मैं घर उधर कनिंगम रोड में मेरे बंगले में शिफ्ट कर लिया। यहाँ पे मैं 15 साल से इन लोगों के पास में आया नहीं, उनके छोटे मोटे ज़रूरतों को पूरे किया हूँ। आज क्या है, ये सब मेरा ख़ानदान मिल गया है, ख़ानदान बन गया मेरा। ये स्लम के लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे आदमी हैं, सब सीधे हैं और सब बहुत दिल वाले हैं। इन लोगों के घर पे मैं जाके खाना भी खाया हूँ। जब हमारी गरीबी में खाना नहीं होता तो हमारा अम्मी इनके घरों में जाके थोड़ा बहुत खाना लाके सालना लाके हम लोगों को खिलाते थे। ऐसे ख़ानदान में हमने पला है, खादर शरीफ गार्डन में। उनका एहसान हम लोग पूरी ज़िंदगी भूल नहीं सकते हैं। इसके लिए मैं आया हूँ, आज अच्छा हूँ, बिज़नेस को रिटेट दिया हूँ, अब आके उन लोगों की खिदमत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे मैं 50,000 मकानों को करोड़पति को भी दे रहा हूँ, गरीब को भी दे रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली को भी दे रहा हूँ, ज़ात नहीं देख रहा हूँ। दूसरी बात है, बीजेपी वालों को भी दे रहा हूँ, JDS वालों को भी दे रहा हूँ, कांग्रेस वालों को भी दे रहा हूँ, इंडिपेंडेंट वालों को भी दे रहा हूँ। ये सब बाकी जात एक ही है, वो है बाबू की जात। सर पिछले बाबू यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं है, बाबू के पास में हिंदू मुसलमान नहीं है। यहाँ पे सब मेरे भाई बहन हैं, डिवाइड एंड रूल नहीं है, यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हैं, मैं उन लोगों में से एक हूँ। सर पिछले और दूसरी बात है, यहाँ पे कोई पार्टी करके नहीं है, सब एक ही पार्टी है, वो है मेरे स्लम में, मेरे शरीफ गार्डन के स्लम में बाबू पार्टी है। इसके लिए मैं इन लोगों की खिदमत करने के लिए बार बार आऊँगा। अभी यहाँ पे 50,000 घरों को 5,000 रुपये के हिसाब से 25 करोड़ दे रहा हूँ। वो सालाना 25 करोड़ होते हैं, 5 साल के लिए 125 करोड़ दे रहा हूँ। दूसरी बात है, एक बच्चा एक घर में फर्स्ट ईयर PUC का है तो उसको 5,000, दो बच्चे हैं तो 10,000, तीन बच्चे हैं तो 15,000, एक घर को ये जनरल का 5,000 मिला के 20,000 रुपया उन लोगों के घरों में पहुंचाऊंगा। ये मेरा वादा है। और दूसरा मैनिफेस्ट क्या है, यहाँ पे जो शीटों के घरें हैं, जो झोपड़पट्टी में जो घरें हैं, झोपड़ियाँ हैं, ये सब निकाल के उन लोगों को एक 3,000 मकाने मैं बनाने का वादा किया हूँ। वो है 10 स्लमों को कम से कम एक स्लम में 450 मकान आएंगे, वो भी मेरे खुद के पैसों से 180 करोड़ रुपया उसको दे रहा हूँ। तो ये सब मेरे भाई बहनों को, एक मैं भाई आ गया हूँ करके बोल के इतनी खुशी आप देखे होंगे, अभी इतनी खुशी हो गई, मेरा भाई आ गया मेरे घर को बोल के उतनी खुशी हो रही है। ये आके एक हिस्ट्री पैदा कर रहा हूँ,
कि यहाँ पे ये शरीफ गार्डन में चिकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर एक भी झोपड़पट्टी की जगह नहीं रहना मेरे खुद के रुपयों से। 3000 मकाने अभी मैं वादा कर रहा हूँ, 3000 मकाने बना के देने का मैं वादा कर रहा हूँ, मैं वादा पूरा करूँगा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ बोलना नहीं आता मेरे को, आज तक मैंने ज़िंदगी में झूठ बोला नहीं है, जो भी है सच बोला हूँ। इसीलिए मैं बदनाम हुआ और इसीलिए मैं सक्सेस भी हुआ हूँ। अभी इसके लिए अभी क्या है, मैं ये लोगों को सब लोगों को देना, मेरे भाई बहनों के साथ में रहना, और मेरे बंगले में उतनी खुशी की नींद नहीं आ रही है। इतनी इज्जत ये लोगों ने मेरे को दिया है, ये लोगों ने इतनी इज्जत दिया है कि मेरे को यहाँ से छोड़ के मेरे घर पे जाने के लिए मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा मेरी दौलत ये गरीब हैं, मेरी दौलत ये स्लम के लोग हैं, मेरी प्रॉपर्टी मेरी फैमिली है, ये स्लम के लोग मेरी फैमिली है, और मैं ये स्लम छोड़ के नहीं जाऊँगा। इतनी खुशी मिल रही है, आप भी एक दिन उधर रखे देखिए, वहाँ पे मुझे पूछने वाला नहीं, बीमार पड़ता हूँ तो कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे मैं ज़ोर से एक छींक दूंगा तो सारा स्लम मेरे घर के पास में इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा है। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, इसमें अच्छा दिखाइए, अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। ये सब ये जो स्लमों में जा रहा हूँ, मैं 4 महीने में 50,000 घर को कंप्लीट कर दूंगा। 4 महीने के बाद में रिपोर्ट दीजिए, एक एक घर चुन चुन के एक घर मिस नहीं होने जैसा मैं ये काम करना चाह रहा हूँ। मुझे मेरे एरिया के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग मुझे साथ दे रहे हैं, इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है। और रही बात मेरे लोग, बाबू के जब बाबू यहाँ पे एमएलए के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं, फोर्स करके और अगर तुम आप लोग आके इधर नहीं खड़ेंगे, हम लोग सुसाइड कर लेंगे। मेरे 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 मोहल्ले के लोग आके मेरे फोर्स के, चिकपेट के लोग आके फोर्स के, इसीलिए मैं बाई फोर्सली यहाँ पे एमएलए खड़ने के लिए आया हूँ। एमएलए खड़ने के लिए मेरे को 350 करोड़ की ज़रूरत नहीं है, मैं 350 करोड़ मेरे भाइयों बहनों को देने के लिए आया हूँ। पिछले 15 साल में यहाँ पर क्या तब्दीलियाँ आई, क्योंकि आपने कहा 15 साल पहले आप यहाँ से गए थे। 15 साल से मैं मेरे बिजनेस में बिजी था। यहाँ पर जो इकतदार में रहे उन्होंने क्या तब्दीलियाँ की, क्या कुछ नजर आया? कुछ नहीं, जो एमएलए है इधर का उसने क्या काम किया वो सब मुझे मालूम नहीं है, उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। मैं 5 साल मेरे बिजनेस में बिजी था, 15 साल। अभी इन लोगों के साथ में, मेरे भाई बहनों के साथ में आ गया हूँ, अभी कोई कंप्लेंट यहाँ पे नहीं आएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है, कोई तकलीफ में नहीं रहेगा। सर, क्या ये तो गिमिक नहीं है ना, इलेक्शन आ रहा है, कैसे गिमिक कुछ भी नहीं है। ये इलेक्शन में खड़ना चाहिए सो जी, गिमिक कहीं का जी, जाको देखो जी, मैं क्या करता हूँ, केजीएफ में जाको देखो, कोलार में जाको देखो, करोड़ों रुपए दिया हूँ। मैं क्या भी यहाँ से वोट लेने के, मुझे 350 करोड़ खर्च करने की जरूरत नहीं है जी। यहाँ मैं मेरे भाना भैया को, मेरे मई जो पैदा हुआ वो गाँव को भी देखूँ, जो मैं पला पड़ा वो एरिया को देने के लिए।